हेलो दोस्तों, क्या आप एक 30,000 और 40,000 के प्राइस रेंज के बीच में एक बेस्ट कैमरा ढूंढ रहे हैं वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा परचेज करें, कौन सा बेस्ट है इस प्राइस रेंज पे? तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ टॉप 5 बेस्ट कैमरा जो आपको अंडर 40,000 के प्राइस रेंज पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आज की लिस्ट में जितने भी कैमराज बता रहा हूँ इसमें आपको DSLR कैमरा, मिररलेस कैमरा और डिजिटल कैमराज देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सारे कैमराज में से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपको जो फीचर्स दिए गए हैं वो बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। चाहे इसके कैमरा लेंस की बात करें, ऑटो फोकस पॉइंट की बात करें, या इसके डिस्प्ले की बात करें, 4K वीडियो शूटिंग की बात करें, ISO रेंज की बात करें, या कनेक्टिविटी फीचर की बात करें, सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। और इन सारे कैमरा की जो लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से जाके इसके बारे में और भी अच्छे से जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कौन से टॉप 5 बेस्ट कैमराज हैं जो आज के इस लिस्ट में इस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो 5वें नंबर पे कैमरा आता है कोडक की तरफ से। अगर आप एक फोटोग्राफी के लिए बेस्ट कैमरा ढूंढ रहे हैं वो भी अंडर 30,000 के प्राइस रेंज पे, तब आप इसको जरूर ले सकते हैं। और यह कोडक पिक्स प्रो एस्ट्रो जूम AZ421RD। अब इस कैमरे की बात करते हैं, इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस और इससे HD वीडियो तक शूट भी कर सकते हैं। उसके साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 3 इंच की LCD डिस्प्ले, 30 सेकंड मिनिमम शटर स्पीड और 1/300 सेकंड मैक्सिमम शटर स्पीड के साथ में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर और इन बिल्ट फ्लैश के साथ में 30,268 रुपीज में आता है। लेकिन अभी इसमें 1,750 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 28,518 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों इस कैमरे की बात करें तो अंदर 30,000 रुपीज के प्राइस रेंज पर दोस्तों जो इसकी रेटिंग और रिव्यूज है, जो फीचर्स हैं, ये आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिर भी दोस्तों मैंने इसको 5वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों इसका जो रिव्यू है मैं उसको जाके पढ़ रहा था, तो वहाँ पे जो कोडक के कैमराज आते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव आते हैं। तो आप जब भी परचेस करना तो इसको जरूर सेलेक्ट कर लेना कि जो आपका कैमरा है डिफेक्टिव होगा तो उसको आप रिटर्न कर देना, इसी का एक प्रॉब्लम रहता है। ओवरऑल दोस्तों फीचर इसमें बढ़िया देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों आज की लिस्ट में जो 4थे नंबर पे कैमरा आता है कैनन की तरफ से। तो अगर आप एक कैनन की तरफ से एक फोटोग्राफी के लिए बेस्ट कैमरा लेना चाहते हैं तब आप इसको जरूर ले सकते हैं, कैनन US 3000D। अब इस कैमरे की बात करें तो इसमें 18 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर, जिससे फुल HD वीडियो 30 FPS तक शूट भी कर सकते हैं। उसके साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 2.7 इंच की LCD डिस्प्ले, 9 ऑटो फोकस पॉइंट, 3x ऑप्टिकल जूम और 100-6400 ISO रेंज, 30 सेकंड मिनिमम शटर स्पीड, 1/400 सेकंड मैक्सिमम शटर स्पीड, 3.5 मिली सेकंड का मैक्सिमम अपर्चर, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर और वाईफाई जैसे कनेक्टिव फीचर के साथ में 18-55 किट लेंस भी मिल जाता है और 16 GB SD कार्ड के साथ में 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 35,390 रुपीज में आता है, लेकिन अभी इस पे 1,750 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 33,640 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों इस कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए बहुत ही जबरदस्त कैमरा देखने को मिल जाता है कैनन की तरफ से। या दोस्तों इसकी प्राइस अभी थोड़ी सी ज्यादा है, ऑफर्स लगाने के बाद में आपको 33,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों जो दिवाली सेल आता है उसमें आपको 30,000 के प्राइस रेंज पे मिल जाता है और उस प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों बहुत ही जबरदस्त एक फोटोग्राफी के लिए कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज के लिस्ट में जो 3rd नंबर पे कैमरा आता है, ये भी कैनन की तरफ से है और एक आपको DSLR कैमरा देखने को मिलता है। अगर आप एक फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए DSLR कैमरा लेना चाहते हैं तब आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं और कैनन US 1500D DSLR। अब इस कैमरे की बात करें तो इसमें 24.1 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर, जिससे फुल HD वीडियो 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। उसके साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 3 इंच की LCD डिस्प्ले, 9 ऑटो फोकस पॉइंट, 3x ऑप्टिकल जूम, 100-12,800 ISO रेंज, 1/400 सेकंड शटर स्पीड, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के साथ में इनबिल्ट फ्लैश और वाईफाई कनेक्टिविटी फीचर भी मिल जाता है और 18-55 किट लेंस के साथ में 2 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 37,990 रुपीज में आता है, लेकिन अभी इस पे 1,750 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 36,240 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों इस कैमरे की बात करें तो इस प्राइस रेंज पर अगर आप एक DSLR कैमरा लेना चाहते हैं फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए तब आप इसको ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों इससे आप फुल HD तक ही वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन जो फीचर्स दिए गए हैं आपको बहुत ही बढ़िया देखने मिलते हैं। अगर आप एक कैनन की तरफ से बेस्ट कैमरा लेना चाहते हैं अंडर 40,000 में तब आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज की लिस्ट में जो 2nd नंबर पे कैमरा आता है ये भी कैनन की तरफ से है, लेकिन आपको एक मिररलेस कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर आप एक 4K वीडियो शूटिंग के लिए मिररलेस कैमरा ढूंढ रहे हैं तब आप इसको ले सकते हैं, कैनन R100 मिररलेस कैमरा। अब इस कैमरे की बात करें तो इसमें 24 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर, जिससे 4K वीडियो 24 FPS तक शूट भी कर सकते हैं। उसके साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 3 इंच की LCD डिस्प्ले, 143 ऑटो फोकस पॉइंट,
100 to 2600 ISO रेंज, 1/4000 सेकंड शटर स्पीड और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के साथ में वाईफाई ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिव फीचर भी मिल जाते हैं और 1845 mm किट लेंस के साथ में 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 39,990 रुपीज में आता है, लेकिन इसमें भी आपको 1750 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 38,240 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों इस कैमरे की बात करें तो जब लॉन्च हुआ था दोस्तों इसकी जो प्राइस थी 50,000 के आसपास थी, लेकिन अभी दोस्तों आपको अंडर 40,000 रुपीज में मिल रहा है। और आपको अगर एक मिररलेस कैमरा चाहिए वो भी कैनन की तरफ से, जिससे आप फोटोग्राफी भी कर सके वीडियोग्राफी भी कर सके, तब आप इसको जरूर ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिल जाता है, 4K तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज के लिस्ट में जो नंबर एक पे कैमरा आता है पैनासोनिक की तरफ से है। तो अगर आप अंडर 40,000 के प्राइस रेंज पे एक वीडियोग्राफी के लिए 4K वीडियोग्राफी के लिए मिररलेस कैमरा लेना चाहते हैं जिसमें फ्लिप डिस्प्ले भी मिल जाए, तब आप इसको जरूर ले सकते हैं। और यह पैनासोनिक लुमिक्स G7 मिररलेस कैमरा। अब इस कैमरे की बात करें तो इसमें 16 MP का CMOS सेंसर, जिससे 4K वीडियो 25 FPS तक शूट भी कर सकते हैं, उसके साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 3 इंच की फ्लिप डिस्प्ले के साथ में 49 ऑटो फोकस पॉइंट, 3x ऑप्टिकल जूम, 200 to 25,600 ISO रेंज, 60 सेकंड मिनिमम शटर स्पीड, 1/4000 मैक्सिमम शटर स्पीड, 3.5 mm मैक्सिमम अपर्चर, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर और वाईफाई जैसे कनेक्टिव फीचर के साथ में 14-42 mm का किट लेंस भी मिल जाता है। 2 ईयर की वारंटी के साथ में 39,000 रुपीज में आता है, लेकिन इसमें भी आपको 1750 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 37,250 रुपीज हो जाती है। दोस्तों इस कैमरे की बात करें तो आपको एक मिररलेस कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप 4K तक की वीडियो भी शूट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ये बोलोगे कि इससे पहले जो मैंने कैनन का कैमरा बताया था वो भी मिररलेस है, वो भी अच्छे प्राइस रेंज पे आ रहा है, उससे भी 4K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन उसको नंबर एक पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि दोस्तों उसमें फ्लिप डिस्प्ले नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको फ्लिप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या सोलो वीडियो क्रिएटर है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, इसीलिए दोस्तों आज के लिस्ट में मैंने इसको नंबर एक पे रखा है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट कैमरा जो आपको अंडर 40,000 रुपीज में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।